आपके सवालों का इस मुद्दे पर स्वागत है। सुई टपक सन्नाटा तो स्टूडियो में है, यहां पर भी है सुई टपक सन्नाटा। पहले मैं इस पे जवाब दूंगी, अगर आप लोगों के पास इस पर सवाल है तो मैं अनुग्रहित रहूंगी। पर ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि मीडिया जो स्लिप ऑफ टंग की दुहाई आज दे रहा है, वो मीडिया विपक्ष के प्रवक्ताओं को तो नहीं ऐसी सहूलियत देता है, विपक्ष के नेताओं की तो लिंचिंग करता है, पूरे पूरे दिन बड़े बड़े बैंड लगा के शो करता है, इस पर क्यों चुप है? असलियत यह है कि हमारे दो नेता लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा बहुत मतभेद में अगर कोई वक्तव्य दे दे तो 48 घंटे नहीं 72 घंटे 96 घंटे शो होगा। लेकिन अगर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं हमें आरएसएस वारएसएस की जरूरत नहीं, अब हम बहुत सक्षम हो गए, क्या सिर्फ फुटाउल बचा हुआ है आरएसएस में और बीजेपी में, उसमें कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई शो नहीं, क्या हो गया है? क्यों सांप सूं गया है इस वक्तव्य पे? क्यों चुप है मीडिया? आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग के एंकरगढ़ चुप है, आप क्यों चुप है, आप तो बोलिए। मैम संबित पात्रा जब इस पूरे बयान पर बवाल मचा तो संबित पात्रा ने कहा है कि उनको बहुत पछतावा है और वो 3 दिन का उपवास रखकर प्रायश्चित करेंगे, तो क्या ये असल में उनका पछतावा है या जो हंगामा मचा उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए? जब आपसे कुछ गलती होती है ना तो आप सामने से खुद आके उसका स्पष्टीकरण देते हैं, आप कोहराम मचने का इंतजार नहीं करते हैं। हम सबसे कभी कभी कुछ कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत शब्द लिख दिया, कुछ मुंह से निकल गया, हम तो सामने से स्पष्टीकरण देते हैं। आपने इतना इंतजार क्यों किया? आपने पहले गलत शब्द बोले, उसके बाद कोहराम मचा, लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ, आपको पता चल गया कि आपके खिलाफ हो रहा है, जिस पुरी से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता आपसे क्षुब्ध हो गई, अब आप बोल रहे हैं मुझे पछतावा है, मैं उपवास करूंगा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान का यह तिरस्कार किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की वो फोटो जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुई थी। कैसे ट्वीट किया आपने ये फोटो? किस किस हिम्मत से तीरथ सिंह रावत और साक्षी महाराज और गिरिराज कहते हैं कि भगवान की तुलना मोदी जी से करते हैं? किस हिम्मत से मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का दूत हूं? क्या हो क्या गया इन लोगों को भाई, मैं ये जानना चाहती हूं। इतना घमंड, इतना अहंकार कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। मतलब कुछ तो ईश्वर के प्रकोप से, ईश्वर के कोप से डरिए। और इस पर मीडिया की जो चुप्पी है, अगर आप बस अपनी आंख बंद करके और दिल पर हाथ रख के मुझे यहां पर अगर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे अगर यह बयान किसी विपक्षी व्यक्ति ने दे दिया होता तो अभी तक क्या होता? लिंच कर दिया होता आपके और आपके एंकर्स ने, नोच लिया होता आप लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी के व्यक्ति ने कहा है मीडिया चुप रहेगा, आंखों पर पट्टी, मुंह में दही जमाएगा। जी मैम, एक गंभीर सवाल है राजनीति से इतर, ये सवाल ये है लोगों के, चूंकि हम पत्रकार जो जनता के मन में होते हैं, जो मैंने मुद्दा उठाया है ना वो अति गंभीर मुद्दा है। यस, ये छोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मैम, जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने घूमते हैं वो सिर्फ बीफ कंपनियों से चंदा ही नहीं लेते हैं, वो ईश्वर को मोदी का भक्त बताने लगे हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मिलावटखोरी पे मिलावटखोरी से लोग परेशान होते जा रहे हैं, पिछले 5-10 सालों में भी मिलावटखोरी बढ़ी है। फसाई की रिपोर्ट भी बताती है कि अलग अलग यूपी हो या अलग अलग राज्यों के कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब है, जहरीले स्तर के हैं। तो अभी जो आपके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में या अन्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी इस पर कोई बात नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी अभी की जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ऑफ अभी जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड है और बीजेपी का जो रुख है उसको सही मानती है? मेरा अपना मानना है कि खाद्य पदार्थों में जिस तरह की मिलावट की बात आ रही है, जिस तरह से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बिक रही है, जिस तरह से FSSAI को बार बार चीजों को प्रतिबंधित कर देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनके विकास के साथ, उनके जीवन के साथ
एक गंदा खिलवाड़ है और बिल्कुल वो रूल्स दोबारा से देखे जाने चाहिए, उनका उन पर पुनर्विचार होना चाहिए और सख्ती से वो रूल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। क्योंकि कोई किसी को चंदा दे दे रहा है, क्योंकि कोई किसी की भक्ति कर दे रहा है और वो मिलावटी सामान बेचे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और भारत की प्रतिष्ठा पर भी बहुत प्रहार पड़ता है जब हमारे मसाले बाहर जाकर प्रतिबंधित हो जाते हैं, उसमें कार्सिनोजेनिक चीजें पाई जाती हैं, वही चीजें हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और जो बढ़ते हुए तादाद है कैंसर पेशेंट्स इत्यादि की, ये गंभीर विषय है। ये प्रेस वार्ता में एक मैं जवाब दे दूं उसका विषय नहीं है। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकारों को सीरियसली सोचना चाहिए और अगर रूल्स रीफ्रेमिंग की जरूरत है तो वो भी जरूर होना चाहिए। मैम जी, बीजेपी के एक और नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया और बंगाल में और महाराष्ट्र में हो रहे मतदान को लेकर उन्होंने इशारा किया कि रोहिंग्या घुसपैठियों वाले प्रदेश में मतदान 50% है, वहीं हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश में मतदान 25% है, ये लोग कब जागेंगे? इस ट्वीट पर आप कुछ कहना चाहें तो? आपको लगता है इतनी भद्दी वाहियात ट्वीट्स पर मुझे जवाब देना चाहिए? ये देश के मतदाता हैं, ये जो चुनाव हो रहा है ना सारा, जो हम भी लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, यहां सभा हो रही है, वहां सभा हो रही है, यहां पर हम बोल रहे हैं, वहां पर हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ये लोकतंत्र का पर्व है, ये 5 साल में एक बार होता है, लोगों को मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, अपने मुद्दों पर सरकार चुनने का, और आप उन्हीं लोगों का तिरस्कार, उन्हीं मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिनके बल पर आपको सरकार बनानी है। ये मैं बता तो रही हूं, ये भाजपा का घमंड है, ये उनका अहंकार है। पहले लोगों को गाली देते थे, एक समुदाय विशेष को देते थे, फिर मतदाताओं को गाली देनी शुरू करी और अब भगवान का तिरस्कार और अपमान करने लगे। ये घमंड और अहंकार है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जनता भी और ईश्वर भी न्याय जरूर करता है। बस 10 दिन की बात है, ये सारी वाहियात बातें 10 दिन और झेलिए आप लोग। जी, आपका कुछ सवाल था? मैंने पहले भी इस मंच से कहा और फिर कहती हूँ कि मैं ये कंसल्टेंट्स की बात पर ध्यान नहीं देती हूँ और उस पर वक्तव्य भी नहीं देती हूँ, और उन कंसल्टेंट्स की बात पर जो अपनी कंसल्टिंग फॉर्म भी नहीं बचा पाए तो कम ही बोलूँ, अच्छा है। लेकिन घोषित रूप से आप पहले पैरवी करते हैं नरेंद्र मोदी की, अब आप फुल ऑन बैटिंग अघोषित कर रहे हैं, तो इस पर आपकी कलई खुल रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। असलियत यह है कि 400 पार का नारा तो नरेंद्र मोदी खुद नहीं लगा रहे, तो जिन मान्यवर का आपने जिक्र किया वो कहां से लगा रहे हैं? 400 पार पहली इनिंग के बाद ही बंद हो गया था, क्योंकि 400 पार का नारा और लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े और गिरिराज जी ने मिलकर बीजेपी की पोल खोल दी कि संविधान पर प्रहार होने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है। छिटक गए लोग इनसे और लोगों ने मन बना लिया कि संविधान तो किसी कीमत पे खत्म नहीं करने देंगे, तो बीजेपी खुद 400 पार का नारा नहीं लगा रही है। असलियत यह है कि जो जन सुनामी, जो जन सैलाब हमें दिख रहा है, जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, ये वो बीजेपी की सभाओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सभाओं वाली भीड़ नहीं है कि 500 में आई है, बस में बैठकर सुनेगी, भाषण बोलेगी, उसके पहले चली जाएगी। ये वो भीड़ है जो उत्साह से बल्लियां बैरिकेड तोड़कर अपने नेताओं के पास आ रही है, नेता बेचारे भाषण नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जनता इतना उनके सम्मुख है। ये वो भीड़ है, ये वो उत्साहित जनता, ये जन सैलाब है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। 150 के लाले पड़ रहे हैं, आप 400 की बात कर रहे हैं, और घोषित अघोषित जो लोग थे उनकी क्रेडिबिलिटी पर मुझे जितना कम बुलवाइए अच्छा है। अपना फॉर्म बचा नहीं पा रहे हैं, चले सरकारें बनवाने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या एक्शन लिया ब्रजभूषण के खिलाफ? इतना डरते क्यों है मोदी और शाह ब्रजभूषण से? ब्रजभूषण नहीं, उनके लड़के को टिकट दे दिया। ब्रजभूषण खुल के कहते हैं दबदबा है, कायम रहेगा, मैं लड़ूं या मेरा लड़का लड़े, एक ही बात है। ये तो इन्होंने न्याय किया इस देश की सबसे होनहार बेटियों के साथ,
उन बेटियों के साथ जब मेडल आया तो मोदी जी ने खूब हाथ मिलाया, खूब हाथ हिलाया, एक साथ उनका हाथ उठाया, और जब उनके ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो मोदी जी आरोपी के संरक्षण देने लगे। उन्होंने क्या किया? राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो चलिए तय कर दिए आरोप, मोदी जी ने क्या किया? और फिर कहते हैं मैं महिला सुरक्षा की बहुत बात करता हूं, महिलाओं का नाम नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कतई नहीं लेना चाहिए। कोई और सवाल? मैम एक सवाल है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज रिटायर हुए और अपने रिटायरमेंट के भाषण में उन्होंने कहा कि वो संघ के सदस्य थे 30 सालों तक, और अब चूंकि रिटायर हो रहे हैं तो आगे भी संघ उन्हें कोई काम देगा तो वो करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि मैं जुडिशरी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जिस तरह से जुडिशरी में इस तरह की मानसिकता वाले लोग भरे हुए हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को खत्म किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। एक सिटिंग जज छोड़ के ज्वाइन किए ले रहा है, अगले दिन मुख्यमंत्री को गरिया रहा है। एक जज रिटायर होते कह रहा है मैं संघ का आदमी हूं, मैं तो संघ चला जाऊंगा। तो ये लोग कर क्या रहे थे जुडिशरी में? न्यायपालिका की एक बहुत मजबूत भूमिका है, लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस विषय पर गहन चिंतन की जरूरत है। मैं कह रही हूं मैं जुडिशियल प्रोवेस में जुडिशरी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, उनके दिए हुए फैसलों पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन उनका जो कथन है वो चिंताजनक है और इस देश में एक नई चर्चा होनी चाहिए कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है और किस तरह के लोग उसमें हैं। धन्यवाद जी, बोलिए। संबित पात्रा ने कहा है कि अनजाने में की गई गलतियों को भगवान भी माफ़ कर देते हैं, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और इस मुद्दे को इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप क्या सोच रही थी वो क्या कहेंगे? अनजाने में गलती हुई थी, जैसे ही गलती हुई होती तुरंत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते तो ईश्वर ज़रूर माफ़ कर देते। अनजाने में गलती हुई, घंटों वो वीडियो पड़ा रहा, फिर किसी को दिखा, फिर किसी ने ट्वीट किया, फिर और लोग बोलने लगे उसके बारे में, जब कोहराम मचा, जब ऑपोजिशन बोलने लगी, जब पुरी के लोग बहिष्कार करने लगे, जब पुरी की जनता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का ये तिरस्कार हम नहीं सहेंगे, तभी उनसे अनजाने में गलती याद आई। पहले याद आ गई होती, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, प्रायश्चित करते, क्यों नहीं पहले किया? क्यों राजनीतिक कोहराम के बाद ही उनको याद आया? ईश्वर माफ करता है अनजाने में की हुई गलती। ईश्वर अपने खिलाफ प्रोपोगंडा माफ नहीं करता है। आप ईश्वर का तिरस्कार करके नरेंद्र मोदी को कहिए कि ईश्वर नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए, ये अनजाने में गलती नहीं है, ये भगवान का तिरस्कार है जो संबित पात्रा को और उनके तमाम साथी जो करते नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। छोटे छोटे लोग उसकी बात करते हैं, फिर ऊपर नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है, मुझ में वहीं से शक्ति आती है। ये बहुत एक प्रोपोगंडा दुनिया ने पहले भी देखा है इतिहास में, ये प्रोपोगंडा हिटलर ने भी किया अपने प्रधानमंत्री गोबेल्स के द्वारा, ये प्रोपेगेंडा किम जोंग भी करता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा दुनिया ने देखे, तानाशाह ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। इन प्रोपेगेंडाओं का अंत जो है ना वो ईश्वर भी करेगा और इस देश की लोकतांत्रिक जनता भी करेगी। जी हाँ, मैंने ये बयान सुना नहीं इसलिए मैं टिप्पणी करूंगी नहीं। धन्यवाद।